Hi everyone, welcome to the InstaSol live webinar. So today is our fourth lecture on electrostatics. So electrostatics में हम अभी तक questions ही कर रहे हैं guys, क्योंकि questions से जो understanding आपकी improve होगी और सारे concepts clear हो जाएंगे. JE mains का exam आने वाला है और board का exam भी आने वाला है 2 March को. तो आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी revision करवाने के लिए मैंने अलग अलग तरीके के question लिए, ठीक है. तो गाइज आज जो फोर्थ लेक्चर में अपने लोग कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े उसमें से कुछ 11th पे और इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो कॉन्सेप्ट है 12th का उसको कंबाइन करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आज अपने लोग करने वाले हैं, ठीक है. और जैसा कि आपको पता ही है कि टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है अपना t.me/instajee, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर डॉक्यूमेंट्स, क्वेरीज और नए नए उसमें क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, ठीक. गुड इवनिंग इंचू रॉयल्स, गुड इवनिंग विवेक, निक्की राज, इंस्टासॉल यूजर 389932. तो गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास. आई होप कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे, ठीक. और ऑलरेडी हमने काफी सारा जो पोर्शन है वो तो कवर कर ही लिया है, तो अब क्वेश्चंस नए तरीके के तो ज्यादा बनते नहीं है, ठीक. एक कैपेसिटर पे बनते हैं, तो एक दिन मैं डेडिकेटेड लेक्चर कैपेसिटर पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा. तो पूरे कैपेसिटर पे जितने अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, एक हाई लेवल भी ले लेंगे उसमें 2-3 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन उसमें मीडियम लेवल भी ले लेंगे. गुड इवनिंग सलोनी शर्मा, ठीक है. चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. कैपेसिटेंसेज आर अवेलेबल, राइट. Each of which would break down if the potential is more than 350 volts. How many capacitances are required to make the circuit? ठीक. मैं बढ़िया हूँ इंस्टासॉल यूजर रूपांकर रॉय, आप कैसे हो? ओहो इंचू रॉयल्स को याद है. अच्छा आप करके आए हो क्या वो वाला क्वेश्चन, ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लूंगा. वेरी वेरी गुड इवनिंग राजन, कहाँ थे आप कल की क्लास में? कल की क्लास में हम अपने लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए थे तो आप एब्सेंट थे. कोई नहीं इंश्योरेंस, वो वाली स्लाइड में इंक्लूड कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, ठीक. लेकिन आई एम इम्प्रेस्ड कि आपने उसको घर पे ट्राई किया, वेरी गुड. हाय आयुष रावत, वेलकम टू दी क्लास. न्यू हो आप यहाँ पे, कोई नहीं. तो अभी अपने लोग चौथा लेक्चर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पे, और कुछ क्वेश्चंस हैं? ओके बहन का मैथ्स का पेपर कैसा हुआ फिर? बढ़िया हुआ होगा, आप तो खुद भी अच्छा पढ़ते हो. या टू ऑप्शन बता रहे हैं आप, टू तो कोई भी नहीं है. अगर सेकंड ऑप्शन बोल रहे हो तो ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है. हाय सार्थक, गुड इवनिंग हेमा, हाउ आर यू, लेट हो गए आप आज. अर्शीनाज हाय. गुड इवनिंग कुंजा, हेलो हिमांशु. काफी सारे लोग आ गए हैं. स्मार्ट गर्ल इज ऑल्सो देयर. बिशनदीप गौरव, चलो फटाफट गाइस जितने भी स्मार्ट हो करो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व. ऐसे क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं जेई मेंस में, ये रीसेंट पेपर में ही आया हुआ है, और इससे पहले शायद रेजिस्टेंसेस बेस्ड ये क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस विल बी रिक्वायर्ड to make such a circuit so that equivalent resistance of the circuit is this and one resistance can hold a potential of this much, right? तो उसी पे based है ये. Good evening नीरज कुमार. Problem आ रही है, question blur दिख रहा है. Okay, so just go back and join again. एक बार वापस जाके दोबारा join करके देखो, ठीक, तो सब सही हो जाएगा.
ऑप्शन थ्री होगा, निक्की राज का तो आंसर आ गया है ऑप्शन थ्री। जिसको भी एरर आ रही है गाइस ज्वाइन वंस अगेन। हाय राजू, सर व्हाट इज द आंसर? आंसर तो मैं बता दूंगा, बाकी जनता तो नहीं बता पा रही आंसर। विवेक का है 3, 18 इंच रॉयल का 18, बाकी किसी का आया? एटीन सर, हेमा का 18 आ गया है। चलो आयुष रावत का भी 18, विवेक का भी 18। अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। रुद्राक्ष का भी 18 आ गया है, तो जो बच्चे कह रहे थे कि 20 है वो भी देख लो कैसे होगा। अब इसमें गिवन है कि 1 माइक्रोफैरेड के बहुत सारे कैपेसिटीज हैं अपने पास, ठीक, हायर ऑफ खान, और 1000 वोल्ट का पोटेंशियल अवेलेबल है। तो 1000 वोल्ट का पोटेंशियल अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी एक ब्रांच में, मान लो हमने कुछ कैपेसिटर लगाए, ठीक, अपने लोगों ने कुछ कैपेसिटर लगाना स्टार्ट कर दिए। चलो इसको मैं ब्लैक पेन से कैपेसिटर लगा देता हूं, तो ये कैपेसिटर लग गए यहां पे, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी कुछ रोज होंगी, ठीक। एक रो में अपने लोगों ने अपने लोग कितने कैपेसिटर लगा सकते हैं? देखो इस पैरेलल सिस्टम में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे अपने पास जो अवेलेबल पोटेंशियल है दैट इज 1000 वोल्ट, तो आप 1000 वोल्ट का ही पोटेंशियल लगा सकते हो। तो हर ब्रांच में 1000 वोल्ट रहेगा, ठीक है, तो हर ब्रांच में 1000 वोल्ट रहेगा। फिर वो इक्वली डिवाइड होगा क्योंकि कैपेसिटेंस तो इक्वल है, 1 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर है अपने पास बहुत सारी, तो 1, ये भी 1 माइक्रोफेरेड और ये भी 1 माइक्रोफेरेड, तो जो भी कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे आगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम अपने को कि कैसे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 350 वोल्ट जो पोटेंशियल है 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर सहन कर सकता है, ठीक। तो मान लिया कि यहां पे एन है एक रो में, तो एन इंटू 350 शुड बी इक्वल टू 1000। तो यहां से जो एन की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 3। तो एक रो में अपने लोगों को पता लग गया कि यहां पे 3 कैपेसिटर लगेंगे, ठीक। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटर दे आर आस्किंग फॉर 2 माइक्रोफेरेड, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमको 2 माइक्रोफेरेड की चाहिए। तो अभी जो एक ब्रांच की कैपेसिटेंस है दैट इज 1/3। सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे जोड़ते हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 1/Ceq, राइट। तो यहां पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी 1/3। तो ऐसी कितनी रोज लगाएं, तो मान लो एक्स रोज लगाई कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आए 2 माइक्रोफेरेड की, तो एक्स इक्वल टू 6। तो यहां पे कितनी रोज आ गई है ऐसी हमारे पास 6, एक रो में कितनी कैपेसिटेंस 3, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस आर 18। तो कितनी कैपेसिटेंस लगानी है, 18। सर कैन यू टेल बंगा बंगाली प्लीज, सर कैन यू टेल कन्नड़ तमिल। तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आप ये बात तो सही सही बोल रहे हो, बट आई डोंट नो टू सो मेनी लैंग्वेजेस की कन्नडा भी आती है, बंगाली भी आती है, तमिल भी आती है, ठीक है। अभी तो हिंदी में बात कर लेते हैं, हिंदी तो ठीक है सभी बोल लेते हैं लगभग, टूटी फूटी तो बोल ही लोगे इफ यू आर फ्रॉम कनाडा ऑल्सो, राइट। तो कर्नाटका मैं विजिट तो किया हूं, बट इतनी फ्लुएंट कन्नड़ नहीं आती, ठीक। चलो अब ये वाला क्लियर हो गया कि 18 नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्किट, राइट, ऑफ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये लो ये वाला क्वेश्चन करो अब, इन दी गिवन सर्किट डायग्राम व्हेन दी करंट रीचेज स्टेडी स्टेट,
in the circuit. The charge on the capacitor of capacitance C will be, ठीक है मेरे को और कोई लैंग्वेज नहीं आती, निकी राज कौन सी आती है, हिंदी आती है ना, ठीक है सर, आई एम ओनली डूइंग रट्टाफिकेशन बट मैथ्स इक्वेशंस आर नॉट मैचेस विद माय मैथ्स, तो रटो मत, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब सही हो जाएगा। महरीन आ गई है, वेलकम टू दी क्लास। 2G पे वीडियो ही नहीं चल रही है, चलो महरीन ने ट्राई तो किया क्लास में आने का। राकेश यादव सर प्लीज टीच क्लास 6, क्लास 6 का भी जुगाड़ करेंगे राकेश, टेंशन ना लो, सब कुछ होगा सर। ऑप्शन 4, और कोई जनता है? कूल निंजा इज सेइंग कैन यू टीच लिटिल स्लोली, बाकी जनता कहती है सर जल्दी बताओ। रुद्राक्ष का आंसर आ गया D और हिमांशु का आंसर आ गया है 4 बट विद क्वेश्चन मार्क, आयुष का आ गया है 3, हेमा इज ऑल्सो सेइंग 4, इंची रॉयल 4 times 4, ओके D विवेक। चलो अब डिस्कस करते हैं, काफी जनता का तो आंसर आ गया, अपने लोग देखते हैं क्या आंसर है। लॉग 4, राजन इज ऑल्सो सेइंग लॉग 4। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब अपने लोगों ने कैपेसिटेंस डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि जब बैटरी के अक्रॉस कैपेसिटेंस लगता है, तो कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है, बैटरी कौन सी होनी चाहिए, सिंपल डीसी वोल्ट, तो डीसी वोल्टेज के अक्रॉस जब कैपेसिटेंस लगाते हैं, तो कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है, उस केस में वो स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है, तब यहाँ पे अपने लोग कैपेसिटर के अक्रॉस क्या मानते हैं कि सर्किट यहां से ओपन हो चुका है, तो कोई भी करंट इस ब्रांच में फ्लो नहीं होगा, ठीक। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वाली बात क्लियर थी। अरे विघ्नेश रुको, इतने कमेंट कर रहे हो तो मैं बाकियों के कमेंट कैसे पढ़ूंगा, गुड इवनिंग। चलो तो अब ये तो क्लियर हो गया, अब आर स्मॉल आर और आर टू आपस में कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में, ठीक है। तो जब ये दोनों सीरीज में हैं, तो आप करंट निकाल सकते हो यहाँ पे, बहुत सिंपल है। तो बहुत आसान सी बात है कि करंट जो होगा वी इक्वल टू आई आर वाली इक्वेशन लगाई और E डिवाइडेड बाय R प्लस R टू, क्लियर है। तो ये तो हो गया करंट। अब ये देखो कि इस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा जो इस वाली ब्रांच के अक्रॉस होगा, तो मान लो इसको नाम 1 डैश और 2 डैश, ठीक। तो 1 डैश और 2 डैश के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है। हाँ आयुष राइट बता रहे हैं, कौन सा आंसर है, आप सोच रहे हो कि 3 है, तो देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो 1 डैश के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही 2 डैश के अक्रॉस होगा, और ये ही पूछा गया कि चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी, और V कैसे निकालेंगे 1 डैश के अक्रॉस, 2 डैश के अक्रॉस निकाल लो V, तो Q इक्वल टू C इंटू वी, V को कैसे लिखोगे, V इक्वल टू I इंटू R, राइट। सो V इज इक्वल टू I इंटू R फॉर दी ब्रांच 2 डैश, ठीक। तो यहां पे जो I की वैल्यू है वो क्या है, E डिवाइडेड बाय R2 प्लस R, ये अभी कैलकुलेट किया अपने लोगों ने, तो सिंपल है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I मल्टीप्लाइड बाय दी R2, तो ये वाला जो पोटेंशियल है ये V 1 डैश के अक्रॉस इक्वल होगा V 2 डैश के अक्रॉस, पैरेलल वाली बात है। बोलो बात समझ आ गई सबको, किसी को दिक्कत है, ठीक क्लियर। अब क्या करेंगे, I की वैल्यू पुट करेंगे, तो C मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय R2 प्लस R एंड दी होल इज मल्टीप्लाइड बाय R2, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बताओ। कूल निंजा सर इफ देयर इज नो पोटेंशियल बिटवीन 1/2, हाँ बोलो क्या, तो बताओ बोलो बोलो फिर क्या बोलो,
फोर्थ ऑप्शन आ गया, सही है अपना फोर्थ। क्या डाउट है कूल निंजा, बोलो। सार्थक डिडंट गेट द क्वेश्चन। चलो सार्थक एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर से एक बार और समझ लेते हैं। देखो जिसको नहीं आया है वो समझ लो। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सर्किट गिवन था, स्टडी स्टेट में आपको चार्ज बताना है कैपेसिटेंस में कितना है। तो कैपेसिटेंस फुल्ली चार्ज हो चुका होगा तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होगा, क्लियर है। इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल ऑलरेडी इक्विवेलेंट हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे Q इक्वल टू सी वी में बस V नहीं पता है अपने लोगों को, तो V कैसे निकालेंगे। अगर इस ब्रांच का V नहीं पता तो नीचे वाली ब्रांच का निकाल लो। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा जब यहाँ से 1 डैश से मूव करते हुए 1 तक आओगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सिंपल I मल्टीप्लाइड बाय R2। और I क्या होगा स्टडी स्टेट में, जब ये वाली ब्रांच ही नहीं है तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मैं एक बार बना देता हूँ आपके लिए, देखो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा, ये R2 है, ये R है, ये E है, और यहाँ से ये सर्किट ही ओपन है। तो जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये वाला। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू लिखोगे, क्या लिखोगे, E डिवाइडेड बाय R प्लस R2। अब बात समझ आ गई, ठीक है। सर वाई टुडे इज बैकग्राउंड वॉइस इन दी क्लास, बस आज ही आज की थोड़ी वॉइस आ रही होगी, कल से ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग, ठीक। समझ आ गया सबको, बढ़िया है फिर आ गया। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन थी, आई इंटू आर टू, बी को लिख लिया और सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट लास्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल एम एंड चार्ज स्मॉल क्यू इज एट रेस्ट एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू अदर फिक्स्ड सिमिलर चार्जेस, दीज कैपिटल क्यूज आर फिक्स्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d अपार्ट, इफ द सिस्टम इज कोलिनियर एज शोन इन द फिगर, द पार्टिकल इज नाउ डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल अमाउंट x along the line joining the two charges and is left to itself, उसको छोड़ दिया हिला के, तो वो oscillation करेगा। तो उस oscillation का time period बताना है अपने लोगों को कि क्या time period होगा, ठीक। बोलो चलो अब ये वाला question करके दिखाओ, काश क्लियर दिखेगा, सब होगा ठीक है। हाँ थोड़ा टाइम ले लो इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन करके दिखाओ इसको, क्योंकि यहाँ पे अब देखो SHM कंबाइन हो गया एस से, इलेक्ट्रोस्टेट से, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेई में। करो इसको सॉल्व, करो करो गाइस सॉल्व करो इसको, दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में। जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए वो सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। प्रखर इज बैक, टू लॉक किया जाए, हनाना सार्थक का बी, टू आ रहा है, ठीक है। देखते हैं टू किस किस का आ रहा है, फोर आ रहा है ओम का। स्मार्ट गर्ल इज सेइंग आई कांट सॉल्व इट, कोई बात नहीं, जिससे सॉल्व नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। हेमा का टू, इंचुराल का टू, हाँ इसको हिंदी में कर देंगे, खेसारी बाबू, रुद्राक्ष का भी बी आ गया,
तो गाइस चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ट्राई कर लिया है ऑलमोस्ट, तो काफी जनता जवाब दे रही है। गुड इवनिंग प्रमोद मिश्रा जी, हाय आई एम अवधेश। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। एक स्मॉल क्यू चार्ज दो कैपिटल क्यू चार्जेस के बीच में रखा हुआ है, और इस क्यू चार्ज को अगर डिस्प्लेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल क्यू की वजह से लगने वाला रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, ठीक। तो वो लेफ्ट में इसको धक्का देना चाहेगा राइट, और जो लेफ्ट हैंड वाला चार्ज है वो क्या बोलेगा कि तू राइट में जा, लेकिन किसका ज्यादा है, राइट वाले का, क्लियर। जब राइट वाले का चार्ज फोर्स ज्यादा है तो ये क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, फिर लेफ्ट में आते ही इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो राइट में जाएगा, तो फिर ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेशन, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि नेट फोर्स होगा कितना। चलो अगर हमने उसको कुछ एक्स से डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक, इसको कुछ एक्स से डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस अब नया हो गया वो डी माइनस एक्स हो गया, ठीक, एक्स से राइटवर्ड डिस्प्लेस कर दिया, और जो इस लेफ्ट हैंड वाला चार्ज है उससे डिस्टेंस कितना हो गया, डी प्लस एक्स, क्लियर। तो अब ये डिस्टेंस जो हो गया इसकी वजह से फोर्सेस की वैल्यू लिख दो। अब पता है अपने लोगों की एफ टू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा अगर इसको सेकेंड चार्ज मानते हैं और इसको फर्स्ट चार्ज मानते हैं तो फोर्स ऑन स्मॉल क्यू बाय सेकेंड चार्ज इज मोर देन दी फोर्स ऑन दी स्मॉल क्यू बाय दी फर्स्ट चार्ज। तो नेट फोर्स लिखते हैं फिर यहाँ पे, एफ नेट कितना होगा, एफ टू माइनस एफ वन, ठीक। एफ टू की वैल्यू क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विच इज डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विच इज डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। अब आगे जब बढ़ते हैं एफ नेट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो के क्यू और कैपिटल क्यू को कॉमन निकाल लिया, और फिर इसको क्या है, सिंपल मैथमेटिक्स है, फिर तो सिंपल मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाली मैथमेटिक्स तो अपने लोग डाइपोल में भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हाय देव, अब इसको चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा आंसर, ठीक। तो 1 बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है अपने लोगों को। तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी एक्स, ये बचेगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक। फिर इसको आगे सॉल्व करो तो ऊपर बचेगा 4dx और नीचे बचेगा d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, k स्मॉल q एंड कैपिटल q, ठीक है, क्लियर है। ठीक, ओम घर, देखो इधर, मैरिन इज सेइंग ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। चलो अब ये एफ नेट की वैल्यू आ गई, अब बोला गया है कि एक्स इज लेस देन डी, ठीक है, और बहुत छोटा है एक्स डी से, तो इसको क्या करेंगे फिर, जब ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक्स बहुत छोटा है डी से, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, निगलेक्ट, क्योंकि सिंपल माइनस कर रहे हो आप, तो प्लस माइनस में इसको निगलेक्ट कर सकते हो। चलो अब देखो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ठीक, ऊपर क्या बचेगा 4dx, नीचे क्या बचेगा d रेस टू द पावर 4, ठीक है। तो f नेट की वैल्यू आ जाएगी, सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो बढ़िया है। अब f नेट की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है, k स्मॉल q कैपिटल q 4dx डिवाइडेड बाय d रेस टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व किया तो अपने पास जो इक्वेशन बची f नेट की
उसको डायरेक्टली अपने लोग लिख सकते हैं मोमेंटम चेंज दैट इज एम ए. तो एम ए विल बी इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू फोर एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल डी क्यू. ठीक है, क्लियर है, ठीक है. अब क्या करेंगे कि ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, बड़ी आसान सी बात है. ए की वैल्यू क्या आएगी, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू फोर एक्स डिवाइडेड बाय एम डी क्यू. तो के, अब देखो के एप्सिलॉन नॉट और पाई की टर्म्स में ही है सब कुछ, ठीक है, तो उसी की टर्म्स में लिख देते हैं इसको. दूसरे पेन से लिख देता हूं कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे. ये देखो ए इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू फोर डिवाइडेड बाय डी क्यूब इंटू एक्स. अब ये वाली जो टर्म है इसको एसएचएम से कंपेयर करो, ठीक है. अब ये रीस्टोरिंग फोर्स होगा, बात समझ आ रही है. तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आप लगा सकते हैं और एसएचएम वाली इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो दैट ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, अपने पास ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू फोर डिवाइडेड बाय डी क्यू. ओमेगा की वैल्यू लिख लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू फोर डिवाइडेड बाय डी क्यू. आई थिंक यही है के स्मॉल क्यू फोर कैपिटल क्यू फोर डिवाइडेड बाय डी क्यू. अब टाइम पीरियड पूछा है इन्होंने, ठीक है. तो टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई बाय ओमेगा. अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, किसका बचा नहीं हुआ, ठीक है. अब तो बहुत क्लियर है. सर रीड आउट माय नेम. देखो इधर, अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा. क्लियर है, तो टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म, आ जाएगा आंसर. तो इसमें अपने लोग अब k की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालेंगे जब k की वैल्यू, तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई नहीं मैंने आज नहीं एप्सिलॉन नॉट होए 1 महीना वेट 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज k और नीचे आ जाएगा q स्मॉल q कैपिटल q एंड 4, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा साथ में डी क्यू. ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आ गई अपने पास, फोर से फोर हो गया कैंसिल, और पाई को जब अंदर लेके आएंगे तो वो पाई स्क्वायर बन जाएगा. तो अपना आंसर जो होगा टाइम पीरियड का वो आ जाएगा पाई क्यू. अच्छा एम भी था पीछे वाली इक्वेशन में, है ना, ये तो देखा नहीं अपने लोगों ने एम. अच्छा ए को जब लिखेंगे तो एम नीचे आएगा, ठीक है, तो एम जब नीचे आ जाएगा तो वैल्यू में पुट कर दो, आ गया एम नीचे, एम नीचे आया था यहाँ पे. ठीक, तो ये आ गया एम, एम की वैल्यू आ जाएगी अब ऊपर जब ये 2 पाई बाय ओमेगा लेंगे, तो पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब m divided by small q into capital q. अब देख लो किस ऑप्शन से मैच हो रहा है ये. सर आई हैव डाउट. रुद्राक्ष b से मैच हो रहा है, वेरी गुड. तो b जो है अपना आंसर b से मैच हो रहा है, थोड़ी गड़बड़ है b में, B में यहाँ क्यूब होना चाहिए, ठीक है, तब मैच हो जाएगा. तो ऑप्शन B से मैच हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑप्शन B से मैच हो जाएगा ये. तो आंसर विल बी 2 अंडर रूट ऑफ पाई क्यूब एम. एरर आ गया, नेटवर्क इशू होगा गाइस. ठीक है, अभी चालू हो गया गाइस, नाउ इट इज ओके, यू कैन ज्वाइन अगेन.
ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे सिंपल था, एफ नेट इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू फोर एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यू अपने पास आ गया था, ए इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू टाइम्स फोर डिवाइडेड बाई एम डी क्यू, फिर इसको आगे जाके सॉल्व कर लिया अपने लोगों ने, और सॉल्व करके टाइम पीरियड तो पता है अपने को क्या होता है, टू पाई बाय ओमेगा, तो टू पाई बाय ओमेगा करके जो आंसर आया यहां से वो है ऑप्शन टू, क्लियर है। आर्यन पंडित फ्रॉम क्लास हिंदी, वेरी लेजी बॉय, ठीक है चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा सही से। ओके बुट्टी अजय, कोई बात नहीं, हाँ राजन ऐसी सॉल्व करना है, जंपिंग दी स्टेप्स बिल्कुल सही किया आपने, तो जल्दी से जल्दी करना एग्जाम में तो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर फोर, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, चलो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक हाफ रिंग बना देते हैं और इस पे प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक उसको मान लो स्मॉल क्यू वो गिवन है, तो सेंटर पे रिंग के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है, तो रिंग के सेंटर पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैसे पता लगाया जाएगा बताओ, ये आ गया सेंटर हो, हाफ रिंग है, एम्पलीफाई दी वॉइस, अभी ठीक है, एम आई ऑडिबल गाइस, अरे ठीक है सार्थक, रुद्राक्ष चलो करो इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो इसका, सर समझ में नहीं आया, लॉक वन, ओके राजन का तो आ गया, वीडियो दोबारा से जाके देख लेना, दो बार उसमें आप लोगों ने उसको डिस्कस किया है, कोई उसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं था, सिंपल एसएचएम का कॉन्सेप्ट था, अगर एसएचएम क्लियर नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आपको इलेवेंथ का पोर्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, क्योंकि इलेवेंथ अगर क्लियर नहीं है देन हाउ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द ट्वेल्थ, राइट, जेई मेंस में क्योंकि सारा ट्वेल्थ का जो सिलेबस है उस पर जब प्रॉब्लम बनती है वो इलेवेंथ क्लास से ही कंबाइन होकर आती है, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस किस से हो गया किससे नहीं हुआ, तो काफी जनता आंसर वन बता रही है। अब देखो कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर करो रिंग पे, उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे डी ई, क्योंकि वो छोटू सा एलिमेंट अपने लोगों ने कंसीडर किया है, इस छोटू से एलिमेंट की थिकनेस कितनी होगी आर डी थीटा, ठीक है, तो इसकी लेंथ है आर डी थीटा, तो ये एलिमेंट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई, और ये जो एलिमेंट के एक्सट्रीम्स हैं वो एंगल बना रहे हैं डी थीटा, क्लियर है, और थीटा इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो सबसे पहला एलिमेंट अपना कंसीडर होगा यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो पे, और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो कंसीडर होगा यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू पाई, क्लियर है। अब क्या करेंगे देखो, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा, और डी ई के कंपोनेंट आएंगे डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा, क्लियर है, तो डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा,
ये छोटू एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बात याद रखना, ये टोटल की वजह से नहीं है, अब छोटू की वजह से इतनी है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे 0 to π, तो आपको दिख रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्री है। जब वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है तो ऐसा ही एलिमेंट इधर भी होगा और उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और वर्टिकल लाइन वाले कंपोनेंट सारे क्या हो जाएंगे, एड अप। तो डीई साइन थीटा वाले तो कंपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे और डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ई नेट को हम सिंपल ये लिख सकते हैं, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। क्लियर? अब डीई छोटू की वजह से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाय आर ही होता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब के क्यू बाय आर होता है तो क्यू चाहे छोटू एलिमेंट का क्यू हो चाहे बड़ा क्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे डीई की वैल्यू लिख सकते हो आप सिंपल, के छोटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सही है। अब ई नेट को जब अपने लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड विद द साइन थीटा। अब डी क्यू का कॉन्सेप्ट आता है कि डी क्यू को कैसे लिखें। क्लियर है? तो डी क्यू को अपने लोग कैसे लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट की वजह से, जो अपने लोगों ने आई थिंक लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि कितनी तरीके की चार्ज डेंसिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब देखो इस कॉन्सेप्ट को कैसे करोगे, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट, विच इज क्यू डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर, लेंथ ऑफ द हाफ रिंग विच इज पाई आर। ठीक, तो 2πr कंप्लीट की होती है, पाई आर हाफ की हो गई, टोटल चार्ज क्यू है। अब वो यही कह रहा है कि जो छोटू चार्ज है वो डी क्यू है और उसकी लेंथ कितनी है, आर इंटू डी थीटा। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लेमडा टाइम्स आर इंटू डी थीटा या फिर क्यू इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई आर। क्लियर है? तो डी क्यू की वैल्यू जो होगी दैट विल बी क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर है? ये डी क्यू को उठा के अपने लोगों को कहाँ रखना है, इस वाली इक्वेशन में। ठीक, तो इस वाली इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है और वैल्यूज लगा देंगे इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं अपने लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंच गए अपने लोग, ई नेट पे इंटीग्रेशन के डी क्यू की वैल्यू अपने पास आई है क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय पाई, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर था ही और साथ में क्या था, साइन थीटा। ठीक, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 to π। ठीक, तो अब इस इक्वेशन में कुछ बचा नहीं है, के की वैल्यू तो होती है 1/4πε0, क्यू भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, आर स्क्वायर और पाई भी कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन 0 to π बचता है केवल साइन थीटा डी थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जब करोगे तो आपको भी पता है, ये आप लोगों ने कर रखा होगा काफी टाइम, मैथ्स में भी किया होगा, तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो क्या आता है, 2। ठीक है, सिंपल है। ठीक, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा में लिमिट रखोगे तो माइनस कॉस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस 0, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2। अब वो मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, तो आई होप कि आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन क्लियर है। तो इसका आता है 2। तो अपने पास जो आंसर बचा वो क्या आया, क्यू डिवाइडेड बाय 2π²εr² 2 डिवाइडेड q डिवाइडेड बाय 2π²εr² ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 से मैच हो गया। ठीक, ये इंटीग्रेशन मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को आता है। ठीक है सर, आई एम प्लेइंग पबजी, खेलो पबजी बेटा, अभी खेल लो पबजी, फिर मम्मी खिलाएंगी पबजी एग्जाम जब हो जाएगा और रिजल्ट आएगा। सपना रानी सर, आप मेरे नोट्स क्लियर करवा दो, क्या हो गया,
सपना रानी का कल टेस्ट है, ऑल द बेस्ट। प्लीज रिपीट, क्या रिपीट करना है बताओ। हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल करेंगे रुद्राक्ष, यू आर राइट। ठीक है, तो आई थिंक अभी क्लियर है सबको। राजन ओके, बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है, सबसे हो गया, वेरी गुड। तो आसान सा था, आ गया ऑप्शन नंबर वन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो करके दिखाओ। इन द गिवन फिगर टू टाइनी कंडक्टिंग बॉल्स ऑफ आइडेंटिकल मास एम एंड चार्ज क्यू हैंग फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ एल। Assume that theta is so small that tan theta is approximately equal to sin theta. तो ये तो होता ही है, कोई नई बात नहीं है कि जब theta छोटा होता है तो tan theta is approximately equal to sin theta is equal to theta. ये बात पता है। Then for equilibrium x is, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में अपने लोगों ने किया था। तो इस पे देखो बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बहुत आसान सा है, दो मिनट में क्या एक मिनट में हो जाएगा, कर दो इसको। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, राजन लगाओ शॉर्ट ट्रिक। लगाओ शॉर्ट ट्रिक इस क्वेश्चन में, देखो सॉल्व करो इसको, देखते हैं किसका आंसर आता है जल्दी। जल्दी करो इसको, ज्यादा टाइम नहीं देना है ऐसे क्वेश्चंस को। ये दो एक मिनट का टाइम है, करके दिखाओ इसको जल्दी फटाफट। सर मेरा आ गया, तो बताओ क्या आया। टू आया विवेक का, वेरी गुड। देखते हैं फिर किसका सही है गलत है क्या है। विवेक का टू आया है, इंचू रॉयल का टू आया है, और आई टोल्ड इट्स ऑप्शन वन। मेरा टेस्ट है कल, योगेश ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। हेमा किया सॉल्व, रुद्राक्ष का डी आया है। केसरी लाल यादव, हेमा का ऑप्शन फोर, गुड राजन। चलो टाइम अप हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसको अपने लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस को, मैंने बताया था एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि डायरेक्ट लिखो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय mg, क्योंकि mg नीचे एफ ई हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। तो ये वाला देखो tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाय mg, ठीक है। राजन इज जीकेपी। चलो tan theta क्या है, tan theta इज इक्वल टू एक चीज और लिख सकते हो, ये चीज r d theta के इक्वल, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो tan theta इज इक्वल टू sin theta। ये तो इन्फॉर्मेशन दे ही दी, वैसे भी आपको पता होनी चाहिए ना, अगर वो बोल दे कि theta इज स्मॉल, तो theta अगर स्मॉल है तो l theta इक्वल टू x बाय 2 लिख सकते हो। तो theta की वैल्यू क्या हो गई, x डिवाइडेड बाय 2l। अब वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है, x डिवाइडेड बाय 2l इक्वल्स टू fe क्या लिखोगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 अपॉन mg भी आएगा साथ में, ठीक है। तो अब यहां से x क्यूब किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है देखो, तो आप लोग तो होशियार हो ही, देख लो x इक्वल टू क्या आएगा, q स्क्वायर इनटू l डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg की होल पावर 1 बाय 3, अगर मैं यहां से क्यूब को हटा देता हूं। तो देखो किससे मैच हो रहा है, ये तो मैच हो गया फर्स्ट से, तो ऑप्शन 4 तो नहीं है, तो ऑप्शन 4 जिस जिसका आ रहा था वो तो हो गया गड़बड़। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया अपने पास, q square l divided by 2 pi epsilon not mg की होल पावर 1 by 3 रुद्राक्ष, ठीक है, सबको क्लियर है। तो जिस जिसका ऑप्शन 1 था
उसका सही है, बाकी जनता जो 3, 4, 5 कह रही थी उसकी हो गई है गड़बड़, तो वो हो गया नेगेटिव। तो काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये तो आसान सा था, कुछ ज्यादा नहीं था। चलो ये वाला करके दिखाओ। देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10^3 वोल्ट पर मीटर अलोंग वाई एक्सिस। अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 10^-6 कूलम इज प्रोजेक्टेड इनटू द फील्ड फ्रॉम ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी और विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड आफ्टर 10 सेकंड इज, बताओ कितनी है। गेमिंग गाय इज लेट, कोई बात नहीं, गेमिंग गाय लेट हो तो कोई बात नहीं, सॉल्व करो। एक मिनट ले लो इस क्वेश्चन के लिए। हाय रियाज, अरे सपना रानी क्या डाउट है यार आप, मैं आंसर्स का रिप्लाई कैसे दूं, क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा। मोहम्मद हामिद क्वेश्चन पूछो। विवेक का 2 आ रहा है, राजन का आ रहा है 10√, रुद्राक्ष का सी। राजन वेयर इज योर फ्रेंड, बिल्कुल खेसरी लाल सहायता ही चल रही है यहाँ पे। हेमा इज सेइंग 10√2। भूषण विच फ्रेंड्स, योर फ्रेंड प्रखर और प्रियम, दे वर समवन राइट फ्रॉम सेम स्कूल आई थिंक। ऑप्शन 3 है हेमा का। चलो एक मिनट तो हो गया, अब एक मिनट से ज्यादा तो लगना नहीं चाहिए। प्रखर बेस्ट फ्रेंड रिप्लाई कर रहा है, आप देखो बेस्ट फ्रेंड ठीक है। सर प्लीज रिप्लाई। अरे भूषण रिप्लाई कर रहा हूँ। चलो अब करते हैं सॉल्व इस प्रॉब्लम को और देखते हैं कैसे होगी। तो देख चलो, प्रखर इज माई बेस्ट फ्रेंड बट आई डोंट नो प्रियम। प्रियम वॉज ऑल्सो देयर ना, प्रियम भी तो कमेंट करता था, चैट करता था आप लोगों के साथ। चलो देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वाई एक्सिस कह रहा हूँ ठीक है। ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस कह रहा हूँ। कितनी है 10^3 वोल्ट पर मीटर और ओरिजिन पे अपने लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल क्या कर दिया है, फेंक दिया ठीक, x एक्सिस में विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड ठीक है, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस ही बात है चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है 10^-6 कूलम का, तो इस पे फोर्स लगेगा और ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, बहुत आसान सी बात है। तो ये तो ट्रिजेक्ट्री हो गई, तो ये ट्रिजेक्ट्री हो गई है। उसने पूछा है कि 10 सेकंड के बाद बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी ये अपने लोगों को बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है आपको, प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ा था ठीक, मशीन देखो इधर। तो प्रोजेक्टाइल में क्या था कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट के चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल चेंज होगा। इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई कितना था, 0, और यहाँ पे कुछ फाइनल वी वाई तो होगा। अब वो निकालेंगे कितना होगा, और जो यू वाई फाइनल होगा ठीक है, सॉरी वी एक्स,
वी एक्स बिल्कुल इनिशियल जो यू एक्स है उसी के बराबर होगा, तो इनिशियल यू एक्स कितना था 10 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वी एक्स भी कितना रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोलो प्लीज सर सफिक्स। अरे आशु क्या सफिक्स, ये देखो वी एक्स क्या है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, वी वाई निकालना है तो वी वाई कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो टी तो दे रखा है 10 सेकंड, ठीक है भाई साहब 10 सेकंड दे रखा है तो निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है यू वाई में, तो जीरो प्लस ए कितना होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और फोर्स कितना है क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी 10^-6, ई है 10^3, डिवाइडेड बाय मास है 10^-3 और टाइम है 10 सेकंड्स। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी वाई कितना आ रहा है गाइस, आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, सबका यही आ रहा है। सर हिंदी में क्वेश्चंस लिखी इंग्लिश नहीं आती, टर्म्स तो देखो इंग्लिश ही यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू आ गई अपने पास क्या 10 मीटर पर सेकंड, और वी एक्स की क्या आ गई है 10 मीटर पर सेकंड, तो रिजल्टेंट कितना होगा 10√2 मीटर पर सेकंड। तो इसमें तो कोई दुविधा है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है, ऐसे ही हो गया 10√2 थर्ड ऑप्शन, जिसका भी थर्ड ऑप्शन है वो सही है। हाय आई एम मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सो आयुष रावत वेरी गुड, मैकेनिकल इंजीनियर बनो और कुछ नया करो। विवेक 10√2 ठीक है, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, होमवर्क ले लो अगले क्लास के लिए, पिछला वाला भी डिस्कस कर लेंगे, इंचुरायल ने किया था वो। चलो ये वाला होमवर्क ले लो, इसको करके आना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी आर डिस्टेंस पे कैसे वेरी होगी ओरिजिन से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मिलते हैं। समटाइम्स आई थिंक आई वुड क्वालिफाई द एंट्रेंस, डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू क्वालिफाई द एंट्रेंस। ठीक है, चलो ओके गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो, ओके गुड नाइट।